हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भक्तगण, हमारे शास्त्रों के अनुसार चार युग है, शायद ये आप सभी को पता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग, ये शायद आप सभी को पता है कि चार युग का नाम क्या है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि चार युग के अनुसार चार युग का साधन भी एक जैसा नहीं है। चार युग का साधन भी अलग 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 स्थितियों में अलग अलग मंत्र द्वारा मोक्ष का मार्ग बताया गया। हम लोग अभी जहां पर जी रहा हूं ये है धराधाम, यानी धरित्री, यानी पृथ्वी, और इसका और एक नाम उत्कंठा धाम भी है। यहां पर हर जीव उत्कंठा में जी रहा है, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो सुंदर ना हो, चाहे वो सुस्त है, वो तंदुरुस्त हो, चाहे वो बीमार हो, यहां पर हर जीव, केवल मनुष्य नहीं, हर जीव यहां पर जी रहा है उत्कंठा में। किसी का मन में स्थायी शांति नहीं है, वो कुछ ना कुछ बातों में, कुछ ना कुछ चिंता में उलझे हुए हैं। यहां से भगवान की ओर, यानी भगवान का धाम, यानी वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम यानी जहां उत्कंठा ना हो, वैकुंठ, वै यानी न, संस्कृत में वै यानी ना, वै यानी उसे छोड़कर, वैकुंठ यानी कुंठा को छोड़कर, जहां कुंठा ना हो, जहां जीव के भीतर, जहां जीव चैन से जी रहा है, जहां उत्कंठा बिल्कुल ना हो, वो है वैकुंठ। संस्कृत में वै यानी ना, मतलब ना हो, मतलब जैसे बोला जाता है बेसुमार, अनगणित, वैसे ही संस्कृत में वै यानी जहां ना हो, कुंठ यानी टेंशन, परेशानी, जहां ना हो वैकुंठ। उत्कंठ धाम से हमें जाना है वैकुंठ की ओर, और वैकुंठ की ओर जाने के लिए अलग अलग युगों में, जैसे सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग, अलग अलग युगों में अलग अलग मंत्रों का एक ही प्रभु का अलग अलग मंत्रों, नाम
हमारे शास्त्रों में बताया गया है।